वालेकुम, जुम्मा मुबारक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अखनी पुलाव। ये अखनी पुलाव है हमारी, अभी अखनी तैयार होगी। ये एक किलो मटन है और ये अक्खा, कांदा, प्याज और लहसुन, ये सब इसमें डलेगा अखनी में। और ये अभी हम ये देख रहे हैं आप, अक्खा धनिया है और बड़ा सौंफ है। तो हम इसको एक वाइट कपड़े में लेते हैं ऐसे। हम ये गैस स्टार्ट किए और ये हमने इस पर, अभी ये प्याज है और अक्खा लहसुन है, तो हम इसको इसमें डाल देते हैं। ये अखनी में डल रहा है, ये हमने इसमें डाल दिया। अभी इसको ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन की रबड़ बराबर होनी चाहिए। अभी हमारा ढक्कन लग गया, अभी हमारी अखनी तैयार होगी, तब हम इसको खोल के दिखाएंगे अखनी कैसी तैयार हुई है। और बाकी का अभी हमारे मसाले तैयार हो रहे हैं, मसाले भी दिखाऊंगा मैं आपको। हाय गाइस, तो अभी हमारी ये अखनी तैयार हो रही है और एक साइड में अभी दूसरा टोप चढ़ाते हैं। ये हमारा टोप है जिसके अंदर बनेगी पुलाव। तो अभी गैस स्टार्ट करते हैं और ये टोप हमने इससे रखा और अभी इस पुलाव के अंदर जितना मसाला डलेगा वो सब बताएंगे हम आपको। ये सबसे पहले बताते हैं गरम मसाला। गरम मसाला है जीरा, काली मिर्च, इलायची, ये गरम मसाला डलेगा। और ये प्याज, टमाटर और ये कूटा हुआ हरी मिर्च और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी हम ये स्टार्ट किए, अभी हम इसमें, तो गाइस अभी हम इसमें ऑयल डालते हैं। एक किलो मटन और एक किलो चावल होना चाहिए बराबर। अगर एक किलो मटन है तो एक किलो चावल लगता है, तभी अच्छी पुलाव बनती है टेस्टी। और उसमें कम से कम 200 से 250 ग्राम ऑयल डलता है। तो गाइस हमारा तेल अभी गरम हो चुका है, तो हम उसमें डालते हैं सबसे पहले गरम मसाले। अभी हम इसमें डालते हैं प्याज। ये प्याज हमारा फ्राई हो रहा है तो, और अखनी भी हमारी रेडी हो रही है। बस अभी 5 मिनट में अखनी भी रेडी हो जाएगी। अखनी भी हमारी रेडी हो रही है। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is. और इधर हमारा बाजू में जो है, बाजू के साइड। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. फ्राई हो रहा है गाइस, फ्राई हो रहा है। इसको पूरी तरह से नहीं फ्राई करने का हमें, और अभी हम इसमें डालेंगे
अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये अब हम इसमें डाल देते हैं। बाकी अच्छे से कांदे में मिक्स हो जाए। अभी इसको थोड़ा पकने देते हैं। अभी हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है और कुछ ही मिनटों में हमारी अखनी भी रेडी हो जाएगी बनके। अभी हम इसमें डालते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च कोई भी मसाला हो थोड़ा गैप दे के डालने का, 2 से 5 मिनट का गैप देने का, तब जाके इसमें टेस्ट आता है। थोड़ा स्पाइसी बना रहे हैं। अभी हम डालते हैं इसमें टमाटर। अभी हम इसमें नमक डाला तो उसको थोड़ा मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारी अखनी तैयार हुई कि नहीं। अखनी हमारी दोस्त देख लेते हैं। पहले इसमें से हम निकालते हैं जो हमने वाइट कपड़े में कॉटन के ये पोटली जो बांधी थी उसको निकाल के साइड में रख देते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारी ये हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसको मसाले में डाल देते हैं अखनी को। अखनी का गोश्त डाल दिया है और अभी इसको थोड़ा हिला के ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। वैसे भी गोश्त अच्छे से गल चुका है। हाय गाइस, तो अभी देखते हैं हम 5-10 मिनट पहले
प्लेट से और दम पे रख देते हैं। अभी हमने इसको दम पे रखा, इसको थोड़ा वजन कुछ भी ऐसा रख सकते हैं ताकि भाप बाहर ना आए। और गैस सिलो पे रखने का, गैस सिलो पे रखने का 5 से 10 मिनट दम पे रखने का, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको खोल के और खाने के बाद भी दिखाएंगे टेस्ट और आप लोगों को भी पसंद आएगा। ये हमारी अखनी पुलाव। हाय गाइस, तो अभी देखते हैं कि हमारी अखनी पुलाव रेडी हुई कि नहीं, और मेरे ख्याल से ये रेडी हो चुकी है। बस वाव, अभी हमारी अखनी पुलाव रेडी हो चुकी है, मटन पुलाव। ये है हमारी अखनी पुलाव जो रेडी हो चुकी है। खाने के बाद इसका टेस्ट बताएंगे कि कैसी बनी है। हमारी डिश बन के तैयार हो चुकी है और अभी हम इसको खाएंगे और देखेंगे इसका टेस्ट, आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। और अगर आप लोगों को हमारी डिश पसंद आई हो तो बिस्मिल्लाह की बरकत, ये हमारी रेडी हो चुकी है डिश। ओके, अभी हम इसको कटिंग करते हैं। बनी है, थोड़ी स्पाइसी भी है और मटन भी बहुत अच्छे से बन गया है। वाओ, अगर गाइस हमारी ये डिश आपको पसंद आई हो अखनी पुलाव, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाएं और वीडियो को पूरी देखें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी डिश पसंद है, वेज नॉन वेज। हम बनाएंगे अच्छे से अच्छी आपकी पसंद की डिश। तो थैंक्स गाइस, सब्सक्राइब करें। Peace.